सब्सक्राइब कीजिए करियर गुरु जी चैनल को और उसके बाद इस घंटे के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु जी की नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आए हैं जो कि 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है। तो सारी चीज़ें बताएंगे आपको इस वीडियो में कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, क्या क्या एज लिमिट वगैरह है और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या क्या है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। दोस्तों उससे पहले मैं बता दूँ कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं नियमित रूप से 2 वैकेंसी दिन में अपलोड करता हूँ और इससे आपको नियमित रूप से वैकेंसी की अपडेट मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटे का निशान आएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं, वहां पे सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताते हैं और वहां पे आपको सब कुछ समझाते हैं। तो दोस्तों जो ये वैकेंसी है वो ITBP की तरफ से है और यह कांस्टेबल वैकेंसी से रिलेटेड है। ITBP का मतलब होता है इंडो टर्बाइन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो ये जो है ये वैकेंसी अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और डेट्स क्या क्या हैं, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वेबसाइट की। आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे वैकेंसी के बारे में सब कुछ पढ़ भी सकते हैं और यहीं से फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जो फॉर्म भरा जा रहा है वो 2/1/2018 से भरना स्टार्ट होगा, यानी 2 जनवरी से लास्ट डेट रखी गई है 31 जनवरी। फी वगैरह पेमेंट करने की लास्ट डेट 31 जनवरी रखी गई है। और अगर यदि हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, SC ST और XR स्टूडेंट के लिए कोई फीस नहीं है और आपको एग्जामिनेशन फी को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पे करना है। टोटल पोस्ट की बात करें 241 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें हेड कांस्टेबल MM की पोस्ट की वैकेंसी है। टोटल जो है ये 60 पोस्ट है और ये MM का मतलब होता है मैकेनिक से रिलेटेड। तो 18 से 25 साल उम्र रखी गई है, वो जो उम्र काउंट होगी वो 31/1/2018 को काउंट होगी। एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, 10+2 12th पास रखा गया है, उसके साथ ITI रखा गया है, मोटर मैकेनिक और 3 साल का एक्सपीरियंस और 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। देखिए दोस्तों आपको या तो 12th पास हो, 12th पास के साथ ITI हो और जो है 3 साल का एक्सपीरियंस हो मोटर मैकेनिक के साथ, क्योंकि मोटर मैकेनिक की वैकेंसी है, या तो आप 3 साल का डिप्लोमा किए हों ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तब भी इसे भर सकते हैं। और उसके बाद जो है कांस्टेबल के लिए जो है कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए जो है ये वैकेंसी है दूसरी वाली, इसमें जो है 181 पोस्ट की वैकेंसी है। इसमें जो उम्र रखी गई है 18 से 25 साल, जो उम्र काउंट होगी 31/1/2018 को काउंट होगी। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्लास 10 पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ ITI सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। जो है 10th पास के साथ ITI सर्टिफिकेट मोटर मैकेनिक्स का होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि हम फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो जनरल OBC SC के लिए जो हाइट रखी गई है 170 सेंटीमीटर रखी गई है, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, और जो SC ST के लिए हाइट रखी गई है ST के लिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 86 से 81 सेंटीमीटर। जो रनिंग रखी गई है 1.6 किलोमीटर की रन आपको जो है 7.5 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप जो है 11 फीट 3 इंच का लॉन्ग जंप, 11 फीट का लॉन्ग जंप है जो कि 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप जो है 3.5 फीट का है जिसमें 3 चांस दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात करें तो अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करना होगा, लिंक जो एक्टिवेट होगी वो 2 जनवरी को एक्टिवेट हो जाएगी। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जा सकते हैं। नोटिफिकेशन लाके मैंने डाउनलोड करके सब कुछ पढ़ लिया है, तो आप जरूर से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लें यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर भी जा सकते हैं सारी चीज़ें देखने के लिए। देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो मुझे उम्मीद है वैकेंसी के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, फिर भी कोई सवाल है तो मुझे बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वैकेंसी के साथ, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।